वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो दोस्तों, आज हम हैं कटरा में और हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। दोस्तों, तो अगर आपके दिल में भी भाव आ रहा है और आपको भी माता ने बुलाया है तो ये वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों, हम आपको ये सारी चीज़ें बताने वाले कि आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, कैसे आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक पहुँच सकते हैं और कहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मुंबई से और हमें डायरेक्ट ट्रेन माता वैष्णो देवी कटरा का ना मिलने के वजह से हमें दिल्ली जाना पड़ा और अब हम दिल्ली से जा रहे हैं जम्मू तावी। जम्मू तावी से आपको 45 मिनट का रास्ता होता है, तब वहां से कटरा जा सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कटरा और ये है हमारा होटल जहां पे हमने स्टे किया है। दोस्तों, यहां से वॉकिंग डिस्टेंस है जहां से यात्रा स्टार्ट होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जानकारी कि जब आप तैयारी कर रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन जाने के लिए तो आप पहले से ही अपना होटल बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे नज़दीक में बहुत सारे होटल हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। और दोस्तों, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आप साथ रखिए। अगर आप प्री बुकिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं यात्रा का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे जाके आधार कार्ड दिखा के अपना RFID ले सकते हैं, जो यात्रा ID होता है, जो मैंडेटरी होता है, सबके लिए मैंडेटरी होता है। तो ये रहा वो जो भवन का रास्ता जहाँ से स्टार्ट होता है त्रिकुटा पर्वत, आप देख सकते हैं कितना अद्भुत है। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आपको ये भीड़ दिख रहा होगा, कितना भीड़ लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और सब लोग माता के चरणों में माथा टेकने के लिए बेताब हुए पड़े हुए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर साल लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं यहाँ पे। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है जो जम्मू और कश्मीर की खूबसूरती से आपको रूबरू करा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एक मनमोहक ये दृश्य है जहाँ पे आपको जाने के बाद ऐसा फील होता है यार यहीं पे रह जाओ। तो अगर आपके पास कोई बुजुर्ग है, आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, आपके माता पिता कोई भी है जो प्रॉपरली चल नहीं पाएंगे, जो कि यात्रा काफ़ी लंबी होती है, चढ़ावदार होती है, काफ़ी लोग थक जाते हैं, हम लोग खुद ही जाते जाते ऐसा लग रहा था कि यार पैर ऐसा टूट गया है, लेकिन फिर भी माता का नाम लेते लेते हम लोग चढ़ गए। और उनके लिए भी जो चल नहीं पाते, उनके लिए घोड़ा पालकी ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, आप ये विनम्रतापूर्वक आपको धाम तक पहुँचा सकते हैं। बट उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों, 1500, 2000, 2500 ऐसे चार्जेस वो लेते हैं। तो अगर आपको बेटर पड़ता है तो आप ये ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता के भवन के पास, आप देख सकते हैं, प्रेम से बोलो जय माता दी। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति टाइट बजट है, थोड़ा पैसे नहीं है, जो होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग भवन में जाके वहाँ पे अपना स्टे बुक कर सकते हैं। भवन में ही आपको
1200, 1500, 2000, 2500 जिस हिसाब से जैसा आपको रूम चाहिए वहाँ पे आपको मिल सकता है दोस्तों। उसके लिए आपको मनोकामना भवन .org पे जाके अपना बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दर्शन करते हैं माता के। दोस्तों फाइनली हमारा दर्शन हो गया है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए हम वीडियो बना नहीं पाए, क्योंकि इतना फास्ट फास्ट वो लोग गुफा से बाहर निकाल रहे थे। अगर आप चुनरी या फिर कुछ चढ़ावा लेके जाते हो तो पहले से ही हाथ में रखो, तभी आपको चढ़ाने को मिलेगा, नहीं तो चांस नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि फटाफट ये बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों दर्शन हो गया फाइनली। अगर आप भी अपना मन बना चुके हैं माता के दर्शन के लिए तो प्लीज़ ज़रूर आइए और दर्शन कीजिए माता के। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हो दोस्तों। और मेडिसिन प्रिकॉशंस अपना जैकेट वगैरह सब साथ रखो, क्योंकि ऊपर ठंडी लगती है। और दवाइयां भी रखो, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप खा सकते हो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। बाय।